देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेंसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं अंजलि गुप्ता। खबर सेंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश से सागर रस्तोगी की यह रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान जारी करते ही परिवहन व्यवसायियों ने भी सरकार के सामने अपनी मांग सामने रख दी है। परिवहन व्यवसायियों का साफ कहना है कि यदि कुंभ की जारी की गई एसओपी के आधार पर ही सरकार चार धाम यात्रा को संचालित करना चाहती है तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। परिवहन व्यवसायियों ने साफ कहा कि लॉकडाउन के बाद से परिवहन व्यवसायियों के कमर टूट चुकी है। ऐसे में सरकार के कठिन नियम चार धाम यात्रा को चलने नहीं देंगे। परिवहन व्यवसायियों ने सरकार से चार धाम यात्रा के लिए नई एसओपी जारी करने की मांग की है। मेरा तो यही कहना होगा कि सरकार ने जो एसओपी कुंभ मेले के लिए निकाली गई है उस एसओपी में अगर यात्रा चलाई जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। पिछले वर्ष भी हम यात्रा नहीं चला पाए, इस वर्ष भी ऐसा ही होगा तो मुझे लगता है कि हमारा तो व्यवसाय ही ठप हो जाएगा। मेरा इस बारे में ये कहना है कि एसओपी में जो एसओपी यात्रा की बनाई जाए उसमें परिवहन वालों को बैठाया जाए, उनके सुझाव लिए जाए और तब एसओपी जारी की जाए। देखिए, जहाँ तक संयुक्त प्रोडक्शन की बात है तो संयुक्त प्रोडक्शन की जो है जो बसों की बात है तो संयुक्त प्रोडक्शन ने तो गत वर्ष ही जो है अपनी व्यवस्था पूर्ण कर ली थी। गाड़ी चाक चौबंद कर ली थी, रंग रोगन करके गाड़ियाँ खड़ी थी, तो गत वर्ष से ही गाड़ी अब तक खड़ी हुई है। तो संयुक्त प्रोडक्शन की तो गाड़ियों की स्थिति बिल्कुल सुधरी हुई है और अच्छी है। लेकिन अगर सरकार ये RT-PCR टेस्ट वाला नियम फिर से लागू करती है कि कम से कम 3 दिन पूर्व की रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ष भी जो है परिवहन व्यवसायियों को वही परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो गत वर्ष भुगते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे परिवहन व्यवसाय को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम अपनी जो SOP आए तो उसको जो है व्यापारियों के और गाड़ी वाहन स्वामियों के हित को देखते हुए उसको सरलता से लागू करें।